मसीह के आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूँ। मेरा नाम ब्रदर लूना तांडी। आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल बनाया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज वार्सीपर रोमिका मसीह सिस्टर के लाइफ स्टोरी के बारे में यानी उनके ज़िंदगी के बारे में आप सभी लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप फर्स्ट से लास्ट तक फुल वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए, ताकि आपको फुल जानकारी मिल सके। वार्सीपर रोमिका मसीह बचपन से गीत गाने का शौक़ था। बहुत सा प्रोग्राम में गाने के लिए ऑडिशन दिया लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर और ही कुछ चाहते थे। परमेश्वर अपने महिमा के लिए सिस्टर रोमिका मसीह को इस्तेमाल करना चाहते थे। 2011 में प्रभु यीशु मसीह के निकट में आया और दूसरी लोगों के वार्षिक गीतों को सुनकर उसके दिल में भी खुदाबन यीशु मसीह के लिए गाने के लिए शुरू कर दिया। लेकिन उसके घर वाले उनको रोकते थे, चर्च जाने से मना करते थे। उसके घर वाले नहीं चाहते कि वो खुदावन यीशु मसीह के पास जाए। अक्सर क्या होता था, चर्च जाने से घर वाले से लड़े होता था, परंतु सिस्टर रोमिका मसीह चर्च जाना नहीं छोड़ी और परमेश्वर से बहुत प्रार्थना किया, परमेश्वर से बहुत प्रेम किया और स्पिरिचुअल लाइफ में बनने लगी। और सिस्टर रोमिका मसीह फैसला किया सिर्फ सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के गीत को ही गाने के लिए। और खुदावन यीशु मसीह के लिए गीत गाया तो परमेश्वर उनकी आवाज़ को ब्लेस किया और अच्छा गाने लगा। अब बात करते हैं सिस्टर रोमिका मसीह की गीत के बारे में। फर्स्ट टाइम गीत कौन सा गीत में डेवलप किया, उनके पहला गीत 2017 में आया ए यीशु नासरी, और उसके बाद और गीत गाया यीशु दी हमदा होसाना, और उनके बाद तेरा रब। और गीत से पब्लिक का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला और मसीह सिंगर नाम से पहचान मिली। अब बात करते हैं उनके फैमिली मेंबर के बारे में। तीन बहन है और एक छोटा भाई है। रोमिका मसीह सबसे बड़ा है और उनके माँ हाउसवाइफ